द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जिन चुनावी सभाओं में पाकिस्तानियों के नाम पर विपक्ष को पानी पी पी कर बीजेपी कोसा करती थी, आज वही पाकिस्तानी बीजेपी के समर्थन में एक मुख्यमंत्री का आवास घेर रहे हैं। आपको याद होगा, जब भी चुनावी रैलियां होती हैं तो बीजेपी अंत में हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान खूब करती है कि अगर यहां पर विपक्ष चुनाव जीत गया तो पाकिस्तान में जो है दिवाली मनेगी। तमाम ऐसे बीजेपी के नेता बयान देते पड़ते थे। आज वही देखिए, पाकिस्तानी जो शरणार्थी यहाँ पर हैं, वही पाकिस्तानी शरणार्थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर घेर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि बीजेपी ने CAA को जबरदस्ती लागू किया है और इसके खिलाफ कई मुख्यमंत्री हो गए और अमित शाह CAA के समर्थन में इन पाकिस्तानियों को वैलिड नागरिक बनाने की फिराक में, जिसके खिलाफ अब अरविंद केजरीवाल ने बिगुल फूंक दिया। तो ये शरणार्थी बीजेपी के समर्थन में रैली निकालने लगे। ये पाकिस्तानी शरणार्थी सोचिए कि बीजेपी का साथ दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी उन्हें अपना नागरिक बनाना चाहती है और इसका विरोध अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, एक CM के घर को घेरा गया। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर ट्वीट है News24 का, पाकिस्तानियों को पुलिस सुरक्षा के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन की इजाजत, किसानों को दिल्ली आने की भी इजाजत नहीं। दिल्ली CM केजरीवाल का यह बयान है और उन्होंने अमित शाह को बुरी तरीके से भी एक्सपोज किया है। अमित शाह का कहना है कि CAA नागरिकता देने का काम करती है। किसे नागरिकता देने का काम करती है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए उन शरणार्थियों को जो घुसपैठी हैं, हमारे भारत में घुसे पड़े हैं, उन लोगों को नागरिकता देने का काम यह CAA करता है ना। लेकिन खतरा तो यह भी है कि जो भारत के भीतर पहले से लोग मौजूद हैं, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कम है, तो आप उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे CAA प्लस NRC के जरिए। तमाम ऐसी आशंकाओं से ही तो इस वक्त विपक्ष के नेता भी परेशान हैं, चाहे फिर ममता बनर्जी हों या केरल में विजयन साहब हों, या यहाँ अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल ने भी यही बातें कही हैं। अब यहाँ समझिए कि बीजेपी ने जब तक साथ नहीं दिया तब तक क्या ये पाकिस्तानी शरणार्थी यूं ही एक मुख्यमंत्री के आवास को घेर लेते हैं? और जरा यह भी आप गौर कीजिए कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पड़े हुए हैं, उन्हें दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा एकदम सही पकड़ा है कि भाई जो किसान इस देश के हैं, इस देश की मिट्टी में पले बढ़े हैं, उन किसानों को तो आप दिल्ली घुसने नहीं दे रहे, उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रहे, उन पर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। और यहाँ ये घुसपैठी, ये शरणार्थी जो हमारे देश में नागरिक बनने की जिद पर अड़े हुए हैं और जिसे बीजेपी नागरिक बनाना भी चाहती है, अगर उसका विरोध कोई मुख्यमंत्री कर रहा है, वो भी इस अंदेशा में कि उनको तो नागरिकता मिल जाएगी लेकिन भारत में जो लोग हैं उनका NRC करके और CAA के कॉम्बिनेशन से उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहते हैं, फिर क्या कहा जाएगा? तो सवाल तो हैं। आइए कुछ ट्वीट हम दिखाते हैं, अरविंद केजरीवाल ने खुद ही लिखे, खुद ही शेयर किए हैं और उसमें बड़ी गंभीर बातें कही जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने ABP न्यूज का ट्वीट शेयर किया जिसमें ABP न्यूज ने ब्रेकिंग खबर दी कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को CM केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। ऐसे में इस ABP न्यूज को शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि पाकिस्तानियों को पूरी पुलिस सुरक्षा और सम्मान के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त और इस देश के किसानों को दिल्ली में आने की भी इजाज़त नहीं। भारत के किसानों पर आंसू गैस के गोले, लाठियां, डंडे और गोलियां और पाकिस्तान को इतना सम्मान, ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का विजुअल भी है, ABP न्यूज़ पर आप देख सकते हैं, तख्ती प्लेट लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ABP न्यूज़ ने इसे कवर किया। तो अरविंद केजरीवाल ने लगे हाथ यहाँ पर बता दिया अमित शाह को कि हम CAA पर आपको घेरना जानते हैं।
अब जिस पाकिस्तान को कोसकर पाकिस्तान के नाम पर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाकर बीजेपी अपना वोट बैंक बनाती रही है, वही बीजेपी इस वक्त पाकिस्तानियों की हितैषी बनी फिर रही है। तो निश्चित तौर पर सवाल तो पूछे जाएंगे। आइए जरा दिखाते हैं आपको, एक और ट्वीट है इसी संबंध में, अरविंद केजरीवाल ने ही शेयर किए हैं, वही प्रदर्शन का विजुअल भी है और इसमें भी अरविंद केजरीवाल ने बातें अपनी रखी हैं। या पहले थोड़ा सा विजुअल आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि लोग यहाँ भीड़ लगाए पड़े, और ये सब भारतीय नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, ये लोग नागरिकता पाने के इंतजार में सीमा पर डटे हुए हैं, घुसपैठिए हैं, शरणार्थी कह सकते हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल ने लिखा, आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया, दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया, बीजेपी ने इनका पूरा समर्थन किया, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि दिल्ली की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुने गए सीएम को हमारे मुल्क में घुसकर माफी मांगने को कह रहे हैं और बीजेपी इनका समर्थन कर रही है। बीजेपी मुझसे नफरत करते करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई, भारत के साथ गद्दारी करने लगी, इस CAA के बाद ये पाकिस्तानी पूरे देश में फैल जाएंगे और इसी तरह हमारे ही मुल्क के लोगों को इस तरह हड़काएंगे और हुड़दंग करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने एकदम नहले पे दहला चल दिया है और अब बीजेपी की परेशानी तो एकदम से बढ़ने वाली है, क्योंकि बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, यही पाकिस्तानियों के नाम पर ये वोट अपना जो है विपक्ष को गुमराह करके, विपक्ष के नाम पर कुछ भी बोल करके, अनाप शनाप बयानबाजी करके वोट बनाते रहे हैं, वोट बैंक अपना तैयार करते रहे। ऐसे में अब इन्हीं घुसपैठियों का साथ देकर, उन्हें प्रदर्शन के लिए उकसाकर बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक भी बनाना चाहती है। तो यह खेल जो है हर कोई समझ रहा है और इस खेल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। अब आपको बता दें कि एक वीडियो क्लिप भी है जिसमें आपको सुनना चाहिए, आम आदमी पार्टी ने ही शेयर किया। यहाँ अमित शाह की बात है, वो रोहिंग्या पर क्यों नहीं बोलते, जरा सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं, फिर अरविंद केजरीवाल के बयान को भी सुनेंगे। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सुना आपने, इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को एक्सपोज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप कह रहे हैं 2014 से पहले, क्या 2014 के बाद घुसपैठिए भारत में नहीं आए हैं, क्या वो लोग यहाँ पर जो जगह जगह फैल गए हैं क्या आप उन्हें नागरिकता नहीं देंगे। तमाम ऐसे सवाल हैं और देश की सुरक्षा का भी सवाल इसके साथ खड़ा हो जाता है, और एक मुख्यमंत्री के घर को कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी या अफगानिस्तानी अगर इसे घेरने की कोशिश करता है तो यह विवादास्पद है। आइए जरा सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 के बाद आना बंद हो गया, 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो सुना आपने, यहाँ बीजेपी को CAA के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने अच्छे से लपेटा है, अब बीजेपी को कुछ कहते बंद नहीं कर रहा। तो अमित शाह जो हैं स्मिता प्रकाश के पास, ANI के पास इंटरव्यू देकर देश भर में CAA को सही ठहराने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Life TV, सच सबसे आगे।